सीएम हेमंत सोरेन खिलाड़ियों को देंगे नियुक्ति पत्र, 11 खिलाड़ियों को मिलेगी नौकरी। रांची सदर अस्पताल में पीआईसीयू और एचडीयू वार्ड का स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया उद्घाटन, आईसीयू में कुल 51 बेड की सुविधा मिलेगी, अत्याधुनिक सुविधा। सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट जारी, इस वर्ष 99.04% स्टूडेंट्स हुए पास, इस बार भी टॉपरों का नहीं किया गया ऐलान। झारखंड जैक इंटर परीक्षा रिजल्ट के खिलाफ सड़क पर छात्रों का प्रदर्शन, फेल छात्रों ने की रिजल्ट को रद्द करने की मांग, रांची समेत कई जिलों में प्रदर्शन। नियोजन मुआवजा और जमीन वापसी की मांग को लेकर बोकारो में विस्थापितों का धरना, दूसरे दिन भी जारी, स्टील कंपनी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। गुड्डा वासियों को रेलवे ने दी सौगात, 4 लोकल ट्रेनों का परिचालन शुरू, गुड्डा से भागलपुर हंसदीहा दुमका जाना हुआ आसान। नमस्कार, अमर झारखंड में आपका स्वागत है, मैं राहुल ओझा आपके साथ। धनबाद से बड़ी खबर, जहां जज उत्तम आनंद हत्याकांड में एसआईटी की बैठक चल रही है, एसएसपी कार्यालय में बैठक चल रही है, बैठक में डीआईजी एसएसपी समेत कई अधिकारी मौजूद हैं, कई लोगों से पूछताछ हो सकती है, तो लगातार जो जांच का दायरा है वो जज उत्तम आनंद के मौत मामले में किया जा रहा है। एसआईटी की बैठक फिलहाल चल रही है एसएसपी कार्यालय में। कन्हैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कन्हैया, एसएसपी कार्यालय में बैठक एसआईटी की चल रही है, क्या कुछ अपडेट वहां से मिल रहा है? बिल्कुल, बता दें कि एडी जी उत्तम आनंद की मौत मामले में जो है लगातार एसआईटी जो है वो छापेमारी कर रही है, और इस दौरान जो है आज खासकर एसएससी कार्यालय में एडीजी और एसएससी सभी तमाम अधिकारी वहां मौजूद है और उन लोगों से बातचीत हो रही है। साथ ही जो रंजय सिंह है उनकी पत्नी और उनके पिताजी से भी पुलिस जो है पूछताछ कर रही है, और लगातार पुलिस की अगर दबिश की बात करें तो पुलिस लगातार दबिश दे रही है और कई जगहों पर छापेमारी भी कर रही है। खासकर एडीजे के मामले मौत के मामले में अभी पुलिस खुलकर कुछ भी नहीं बोल रही है, लेकिन कई अहम सुराग जो है, कई अहम खुलासे भी आज शाम तक होने की संभावना है। जी कन्हैया, धनबाद स्टेशन पर भी जो अधिकारियों की टीम थी वो पहुंची थी, और बैठक से बहुत चीजें जो है वो सामने नहीं निकल के आ पा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो पूछताछ हुई है या फिर और भी कई सुराग हाथ लगे हैं क्या? जी बिल्कुल, देर रात जो है एडीजी जो है खुद रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं, चूंकि वहीं से ऑटो चली थी तो इसलिए वो अहम स्थल माना जा रहा है, इसलिए वहां लगातार जो है पूछताछ लोगों से की जा रही है और जो भी ऑटो चालक है उन्होंने से पूछताछ की जा रही है। इस मामले की गहन से जो जानकारी हो रही है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया कन्हैया तमाम जानकारी के लिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षार्थी सीबीएसई बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in या cbse.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट डिजी लॉकर पर भी उपलब्ध है। इस वर्ष 99.04% स्टूडेंट्स पास हुए हैं, पिछले साल की तरह इस बार भी टॉपरों का ऐलान नहीं किया गया है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद 10वीं 12वीं के छात्रों का परिणाम तैयार करने के लिए मूल्यांकन नीति जारी की गई थी। रांची में 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं ने शिक्षा मंत्री के आवास के समीप मेकॉन चौक के पास सड़क जाम कर हंगामा किया। छात्र छात्राओं ने जैक बोर्ड पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए फिर से रिजल्ट जारी करने की मांग की है। सड़क पर प्रदर्शन की वजह से राजेंद्र चौक पर जाम लग गया। दरअसल कुछ दिन पहले जैक ने 12वीं का रिजल्ट जारी किया था, जिसमें कई छात्र छात्राओं को फेल कर दिया गया, जिससे छात्रों में नाराजगी है। सोमवार को भी रांची समेत राज्य के ज्यादातर जिलों में विरोध प्रदर्शन हुआ था। छात्रों का कहना है कि जब परीक्षा ली नहीं गई तो फिर कई छात्रों को कैसे फेल कर दिया गया। खराब कर दिया गया, हम लोग का फ्यूचर पूरा डुबा दिया गया है। झारखंड सरकार को इसका जवाब देना होगा, क्यों ऐसा हुआ? कौन सा क्लास में क्या हुआ है? हम लोग 12th के छात्र हैं टोंडा कॉलेज, हमारा रिजल्ट में हम लोग सबको फेल कर दिया गया, हम लोग 11th में पास थे फिर भी, क्यों ऐसा किया गया? कौन सा सब्जेक्ट में कितना नंबर आया? सब हम लोग टोटल फेल कर दिया, नंबर हम लोग सेकेंड डिविजन का नंबर सब फेल लिख दिया। तो छात्रों
का बयान हम आपको सुना रहे थे। छात्रों का यही कहना है कि आखिर किस आधार पर जैक बोर्ड ने उन्हें फेल कर दिया है, जबकि परीक्षा में कई बदलाव हुआ, कोरोना संक्रमण का दौर था, और ऐसे में देखिए जो छात्र हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं छात्र छात्राएं इसमें शामिल हैं, और इनका यही कहना है कि आखिर इन्हें फेल क्यों किया गया, जैक बोर्ड के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही 12वीं में कई छात्रों को फेल कर दिया गया है, जिसके विरोध में ये लोग सड़कों पर उतरे हैं। साथ ही सोमवार की बात करें तो कई जिलों में रिजल्ट को लेकर के विरोध छात्रों ने जताया था, और आज एक बार फिर से तस्वीरें सामने आई है जहां जैक बोर्ड के खिलाफ विरोध करते हुए छात्र नजर आ रहे हैं। तो जैक बोर्ड के खिलाफ सड़क पर छात्रों का प्रदर्शन और देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ उनका यही कहना है कि आखिर उन्हें किस आधार पर फेल किया गया, उनका भविष्य अधर में लटक जाएगा। ऐसे कई मानकों को लेकर के जो इस बार का रिजल्ट है वो तैयार किया गया, और इन छात्रों का यही कहना है कि इस बार फेल नहीं करना चाहिए था। CBSE बोर्ड की भी जिक्र कर रहे थे कि CBSE बोर्ड का भी जो रिजल्ट है वो सामने आया है, और वहाँ इस तरीके की चीज़ें नहीं की गई है, तो आखिर जैक बोर्ड ने क्यों इन्हें फेल कर दिया है। तो 12वीं में कई छात्रों को फेल कर दिया गया है, जिसके विरोध में ये छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं। राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेश, तस्वीरें देख पा रहे हैं, जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, और उनका यही कहना है कि आखिर उन्हें फेल क्यों कर दिया गया, और बोर्ड की तरफ से क्या कुछ अब तक जो बातें हैं वो सामने आई है। जी, तमाम जो छात्र छात्राएं हैं, ये 10वीं और 12वीं के छात्र हैं, और इन लोगों का मांग है कि हमारा जो अउत्तीर्ण कर दिया गया है, जिस सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया है, इसको लेकर कोई मुख्य रूप से आश्वासन मिले। इसको लेकर ये लोग सड़क जाम किए हुए हैं। यही बगल में आपको शिक्षा मंत्री का आवास है, इसे इन बार बार मांग कर रहे हैं कि हमें शिक्षा मंत्री से मुलाकात कराई जाए, हम अपना ज्ञापन सौंपेंगे, और फिर से जो एग्जाम है, जो पद्धति है, प्रक्रिया है, उसको पूरी किया जाए, और सारे जो छात्र छात्राएं पास हैं या फेल हैं, इन सभी लोगों को एक साथ एग्जाम लेने की जैक के द्वारा काम किया जाए। इसको लेकर के अभी फिलहाल में जो मजिस्ट्रेट है, जिला दंडाधिकारी, वो मौजूद हैं, और शिक्षा मंत्री के PA भी आए हुए हैं, लेकिन इन सभी बातों को लेकर इनका कोई वार्ता सफल नहीं हो पाया है। अभी फिलहाल जो है चौक को जाम किया गया है। अभी ये मांग कर रहे हैं कि जब तक शिक्षा मंत्री से हमारी बात नहीं हो पाती है, तब तक हम लोग सड़क पर डटे रहेंगे। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जैक इंटरमीडिएट की परीक्षा में फेल छात्रों ने DM ऑफिस पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इंटर में फेल छात्रों ने इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी को मांग पत्र सौंपा है, जिसमें अनुत्तीर्ण छात्रों को उत्तीर्ण करने की मांग की है। मांग नहीं पूरा होने पर छात्रों ने धरना प्रदर्शन करने का अल्टीमेटम दिया है। छात्रों ने 10 दिनों में रिजल्ट सुधारने का अल्टीमेटम दिया है, इसके बाद छात्र भूख हड़ताल करेंगे। वहीं समस्या की जानकारी अधिकारियों ने आलाधिकारियों तक पहुँचाने का भरोसा दिया है। आखिरकार जैक क्या चाहता है? जब अगर एग्जाम नहीं हुआ, सारे लोग को प्रमोट कर दिया गया, तो मुझे क्यों फेल कर गया? हाँ भाई, तो हम उनको बोले फोन से आश्वासन दी, बात तो सही आप बोल रहे हैं, तो बोले क्या करना है? तो हम भी अपने प्रदेश नेतृत्व को फोन किए कि भैया ऐसा ऐसा बात है, तो उन्होंने बोले कि आप एक काम कीजिए, जैक तो ये मनमानी कर रही है, आप लोग एक काम कीजिए, एक कमेटी बना के विद्यार्थी परिषद उन छात्रों के साथ आज समारना में जिला शिक्षा पदाधिकारी के ज्ञापन देंगी, और नहीं अगर हुआ 10 दिन के अंदर इन लोगों को सारे लोग को पास नहीं कर दिया जाए, तो छात्र उग आंदोलन करने के बाद सड़क पे भी उतरेंगे। द्वारा जो परीक्षा घोषित की गई है, कुछ छात्र उसमें असफल भी हुए हैं। असफल छात्र चाह रहे हैं कि रिजल्ट संशोधित हो, और जो फेल कर गए हैं उनको पास घोषित किया जाए, क्योंकि एग्जाम हुआ नहीं है। रांची सदर अस्पताल में PICU और HDU वार्ड का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर चाइल्ड ICU का उद्घाटन किया गया। इससे पेडियाट्रिक का ICU में कुल 51 बेड हैं, जिसमें 27 ICU और 24 SDU बेड हैं। इसके अलावा सभी अत्याधुनिक सुविधा से ये लैस है। पेडियाट्रिक ICU में ड्यूटी के लिए पैरामेडिकल कर्मियों का प्रशिक्षण रानी चिल्ड्रन अस्पताल में कराया गया है। सदर अस्पताल रांची में बच्चों के लिए अतिरिक्त SDU की स्थापना की गई है, जिसमें बच्चों के इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है। बच्चों के मनोरंजन और बेहतर माहौल के लिए प्ले ग्राउंड और खिलौने की व्यवस्था है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में
हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड जो फेज था उसमें बहुत बेहतर तरीके से आम जनता को कैसे इस विभीषिका से मुक्ति मिले, इसके लिए हम लोगों ने बहुत बेहतर प्रबंधन से काम करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री जी का आगे भी निर्देश है कि कैसे स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर से बेहतर हम कर सकते हैं, उसी की कड़ी में आप जानते हैं कि तीसरे चक्र की बात भी वैज्ञानिकों के द्वारा या विशेषज्ञों के द्वारा बताई जा रही है। उसी के मद्देनजर जो उसके प्रकोप होंगे बच्चे और अल्पवयस्क पर, उसके तहत हम सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी और अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी हम इस तरह के जो नए इनोवेशन कर रहे हैं, और आज उसी की कड़ी में आज PQ का यहाँ 51 बेड का हम लोगों ने विधिवत शुभारंभ किया है। नियोजन मुआवजा सहित अन्य मांगों को लेकर बोकारो स्टील के प्रशासनिक भवन के समक्ष विस्थापित संयुक्त मोर्चा का धरना आज दूसरे दिन भी जारी है। कल मोर्चा के अध्यक्ष निवारण दिगार की अगुवाई में बोकारो स्टील प्रबंधन के खिलाफ बागरेल माल संग्राम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान विस्थापित बोकारो स्टील के द्वारा बनाए गए बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए प्रशासनिक भवन के समक्ष आकर धरने पर बैठ गए थे। इस दौरान बोकारो स्टील के सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी हुई थी। विस्थापित संयुक्त मोर्चा बोकारो स्टील प्रबंधन से नियोजन मुआवजा की मांग कर रहा है। साथ ही मोर्चा ने प्रबंधन को यह चेतावनी दी है कि जिस मकसद के साथ प्रबंधन ने 19 गांवों को खाली करने की मंशा जाहिर की गई है वह कभी पूरा नहीं होने देंगे। विस्थापित संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष निवारण दिगार ने कहा कि प्रबंधन विस्थापितों के साथ न्याय कर रही है, 19 गांवों को उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बोकारो स्टील ने नरकेरा मौजा में स्टेडियम बनाने के लिए लीज एग्रीमेंट किया गया है, वह कभी धरातल पर नहीं उतरेगा। हम जमीन दिए हैं, आपने जमीन लिया है और ये एकदम पारदर्शित है, दुनिया देख रही है कि विस्थापितों का जमीन में बोकारो जैसा स्टील प्लांट, एशिया का सबसे महान स्टील प्लांट जो विस्थापितों का छाती में गड़ा है। नौकरी है पुनर्वास और मुआवजा और विकास, चार मांग पर है। 61 साल से ना नौकरी दिए आप, ना पुनर्वास दिए, ना हमको मुआवजा दिए। कोर्ट में 70 करोड़ रुपया भर दिए हैं और हिसाब बाकी। संजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, लगातार जो विस्थापितों का धरना प्रदर्शन है वो देखने को BSL के खिलाफ मिल रहा है, क्या इनकी मांगे नहीं मानी जा रही है? प्रबंधन की तरफ से कुछ वार्ता हो पाई है, कुछ उनके तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है? देखिए राहुल, सबसे पहले मैं बताऊं कि लगातार विस्थापितों का आंदोलन बोकारो स्टील प्रबंधन के खिलाफ लगातार रहा है। नियोजन के मुद्दा हो या पुनर्वास क्षेत्र के मुद्दा हो, लगातार ये लोग जो है विस्थापित अपनी मांगों को समर्थन में आंदोलन करते रहते हैं। लेकिन BSL प्रबंधन द्वारा इनको आश्वासन देने के बाद भी जो है त्रिपक्षीय वार्ता नहीं कराती है, और वार्ता नहीं कराती है तो उसके बाद फिर जो है विस्थापित आंदोलित होने के मजबूर हो जाते हैं। उसी क्रम में पिछले साल फरवरी माह में इनको आश्वासन दिया गया था कि त्रिपक्षीय वार्ता करा करके नियोजन और पुनर्वास क्षेत्र की इनको जो है इन पर काम किया जाएगा। लेकिन जो है विस्थापितों को यह नियोजन नहीं मिलने के कारण आज फिर विस्थापित आंदोलनरत है, और लगातार कल से जो है आज दूसरा दिन है। उनका मानना है कि विस्थापितों का मानना है कि यदि अगर आर पार की लड़ाई करने को हम तैयार है, यदि विस्थापित को एक मुक्त नियोजन और पुनर्वास क्षेत्र में नहीं कराया जाता है तो हम लोग जो है 31 तारीख तक आंदोलनरत रहेंगे। लेकिन अगर बात करें तो जिला प्रशासन की तरफ से बोकारो प्रबंधन को आग्रह किया गया है और दोनों त्रिपक्षीय वार्ता करने की बात कर रहे हैं, लेकिन विस्थापित इस पर बात मान। हेमंत सोरेन खिलाड़ियों को सौगात देंगे, सीएम हेमंत सोरेन खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र देंगे, 11 खिलाड़ियों को सीएम नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो लगातार खेल क्षेत्र में कैसे झारखंड विकास करें, इसके लिए सरकार की जो निगाहें हैं उन पर मेहरबान है। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, आज सीएम हेमंत सोरेन खिलाड़ियों को सौगात देने वाले हैं, किस तरीके से ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है? जी, राज्य के ऐसे खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किए हैं, और सरकार ने जब हेमंत सरकार बनी थी तभी सरकार ने घोषणा की थी कि जो भी खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किए हैं उन खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इससे पहले आज जो 11 जो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको सीधी नियुक्ति का पत्र दिया जाएगा, और जिसमें आरक्षी और सब इंस्पेक्टर के पद
कि 11 लोगों को दिया जाएगा आज, और इससे पहले भी दर्जनों ऐसे खिलाड़ी थे जिनको सीधी नियुक्ति सरकार के द्वारा दी गई है। तो ऐसे कह सकते हैं कि उन खिलाड़ियों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, और जिन्होंने अपने राज्य का नाम रोशन किया है खेल में, वैसे 11 खिलाड़ियों को आज सरकार सीधी नियुक्ति पत्र देगी, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और यह कार्यक्रम बस थोड़ी देर में ही शुरू होने वाली है, और इसमें सभी खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र देना है, जिसमें जितने भी जो खिलाड़ी हैं उनको सब इंस्पेक्टर और आरक्षी के पद से प्रतिनियुक्त किया जा रहा है। जी चलिए संदीप, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कोरोना काल में रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की गई थी ताकि बाहर से आने वाले लोगों की कोरोना जांच की जा सके। कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मियों ने जान दांव पर लगाकर ड्यूटी की, लेकिन कर्मचारियों का आरोप है कि 3 महीने से वेतन नहीं दिया गया है, लिहाजा अब घर परिवार चलाने में परेशानी हो रही है। आरोप है कि वेतन मांगने पर सोशल मीडिया के जरिए धमकी दी जाती है। हाँ, जिस कारण से हम लोग की स्थिति बचरमरा आ गई है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गया है। जब भी पेमेंट ज़्यादा बोलते हैं तो हमारे जो ठेकेदार हैं वो हम लोग को धमकी देते हैं, काम करना करो नहीं तो आप लोग को निकाल देंगे। हजार काम रिकॉर्ड करोगे तो 80 रुपये एफ आई आर करा देंगे आपदा के तहत। ये कौन है ठेकेदार? दुमका में जामा प्रखंड टेंगधुआ गांव के गरीबों को अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। कई परिवार मिट्टी के खंडर नुमा घर में किसी तरह जान जोखिम में डालकर रह रहे हैं। कई बार गांव के लोगों ने अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक गुहार लगाई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। लिहाजा अब ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ग्रामीण बताते हैं कि पंचायत भवन जाने पर प्रखंड कार्यालय भेजा जाता है, प्रखंड कार्यालय जाने पर पंचायत भवन भेजा जाता है। आवेदन बहुत बार दिए ब्लॉक में, ब्लॉक में बोलता है पंचायत में जाओ वहीं पर दिखाएगा, वहीं ये बोलता है बी डी एफ का पास जाओ। हाँ, इसी तरह नहीं हो रहा है, मेरा घर नहीं कर पा रहे। एक बार गलूँ था जामा मोड़ ब्लॉक गलूँ बी डी एफ साहब कहते पीछे पंचायत घर जाओ देखे सोगा सूचित नाम देखने अलूँ तो नामे ही नहीं, तब तो लॉकडाउन लेके गए तार जाए नहीं। पागुड़ में करोड़ों की लागत से बना हिरणपुर सीएससी का आधा अधूरा भवन अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से साल 2006-07 में 3,66,00,000 की योजना की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद 2012 तक 2,25,00,000 रुपए खर्च करने के बाद भवन को खड़ा किया गया था, लेकिन विभागीय आदेशानुसार काम पर रोक लगा दी गई। विभागीय जानकारी के अनुसार बाद में भवन निर्माण का काम निगम को दे दिया गया था, लेकिन 14 साल बीत जाने के बाद भी 100 बेड का अस्पताल नहीं बन सका है। स्थानीय लोगों को मजबूर होकर इलाज के लिए पश्चिम बंगाल जाना पड़ता है, वहीं कई गरीबों ने इलाज के अभाव में अपनी जान भी गंवाई है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भवन का काम जल्दी पूरा करने की गुहार लगाई है। हॉस्पिटल तो बनने से हम लोग को मिडिल क्लास के आदमी को बढ़िया होता, जैसे कि हम लोग को कोई बीमारी पड़ जाते हैं तो हम लोग बंगाल इधर उधर जाते हैं, सही ढंग से हम लोग चिकित्सा नहीं कर पाते हैं, तो हम झारखंड सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं ताकि मेरा ये हॉस्पिटल बन जाए जो हम लोग के लिए अच्छा। गोड्डा में सुंदर पहाड़ी प्रखंड कार्यालय स्थित एफसीआई के गोदामों में नमक की बर्बादी हो रही है। लोगों ने बताया कि खुले में नमक को रखा गया है, गोदाम में ना तो कोई गेट है और ना ही अच्छा छत, जिस कारण से आधे से अधिक नमक बर्बाद हो रहा है। 5-10 दिन हो गया है, 8-10 दिन इधर, और ये सब जो इधर बर्बाद हो रहा है सर, ये यार दीवार टूट गया ना। अच्छा, सुबह में ही हो गया, इसी में बर्बाद हो गया, यहीं पड़ा रह गया, इसको खाली भी नहीं करवा सका ना। आप कितना दिन से यहाँ काम करते हैं? हो गया मोटा मोटा। क्या ये पैकेट में सब में नमक है या और भी कुछ है? नमक है, खाली नमक है। कहाँ बांटता है? डीलर के पास। गुड्डा के महगामा रेफरल अस्पताल में दोपहर 1 बजे तक ओपीडी डॉक्टर नहीं आते, जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल में ओपीडी के खुलने का समय सुबह 10 बजे तक होता है, लेकिन ओपीडी में दोपहर 1 बजे तक भी डॉक्टर नहीं पहुंचते हैं। इससे नाराज लोगों ने हंगामा किया, जिसके बाद फोन कर दूसरे डॉक्टर को बुलाया गया। जब इस बारे में वहां उपस्थित डॉक्टर अभिषेक सानू से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि रोस्टर के अनुसार डॉक्टर एकता और डॉक्टर नीलिमा की ड्यूटी ओपीडी में थी, लेकिन अचानक डॉक्टर एकता की तबीयत खराब हो जाने के कारण ओपीडी नहीं खुला। मेरा परिवार बच्चा 10 जैसे यहाँ पर हॉस्पिटल में है, बोल रहा है डॉक्टर आ रहा है, मेरा परिवार बच्चा उधर उल्टी कर रहा है। उसके बाद नंबर आया तो हम गए बच्चा बुलाने के लिए, तो बोलता है आपका चिट्ठा अंदर हो गया, कौन मतलब हुआ?
डॉक्टर कब जब बैठता है? देखिए आज है ना कि ड्यूटी तो था एकता का, लेकिन उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया, लेकिन है क्या कि प्रॉब्लम हो गया तो वो बता ही नहीं थी कि हमको कुछ दिक्कत है, तो उसके बदले में हम लोग तो नहीं आ पाए थे। जब हमको इन्फॉर्म हो गया कि कोई डॉक्टर नहीं है हॉस्पिटल में और यहाँ काफ़ी भीड़ हो रही है, तो फिर हम क्योंकि हमारी ड्यूटी आज थी नहीं, शाम में 3 बजे से मेरी ड्यूटी थी, हम 3 बजे आने के लिए प्रिपेयर थे कि 3 बजे हमको जाना है, 2 बजे जाना है, लेकिन है क्या पहले इन्फॉर्म हो गया कि कोई है नहीं, तो फिर हम जल्दीबाजी में तैयार हुए फिर आए। दुमका में बाबा बासुकीनाथ मंदिर को कोरोना कारण बंद रखा गया, जिससे मंदिर पर आश्रित लोगों की आर्थिक स्थिति बेहाल हो चुकी है। लगातार दूसरे साल में श्रावणी मेला का आयोजन नहीं होने से लोगों में मायूसी का आलम है। लोगों ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से भी किसी प्रकार की मदद नहीं मिली, जिस कारण अब बासुकीनाथ के कई निवासी रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। जो है सो संक्रमण रोकने के लिए लोगों के जान माल की रक्षा की बात करती है, अच्छी बात है, ये प्रशासन का कर्तव्य है और प्रशासन उसके लिए अग्रसर भी है और मैं उनका समर्थन भी करता हूँ और सहयोग। जो है सो संक्रमण रोकने के लिए लोगों के जान माल की रक्षा की बात करती है, अच्छी बात है, ये प्रशासन का कर्तव्य है और प्रशासन उसके लिए अग्रसर भी है और मैं उनका समर्थन भी करता हूँ और सहयोग भी प्रदान करता हूँ। नरसा में नियोजन की मांग को लेकर एमपीएल गेट पर धरना दे रहे विस्थापितों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इस विवाद में विस्थापितों ने मजिस्ट्रेट के साथ भी दुर्व्यवहार किया। हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। गढ़वा में सहिष्णा के कृष्णापुरी मोहल्ले में वृद्ध की गला और हाथ काटकर हत्या कर दी गई। वृद्ध के घर से उसका शव बरामद किया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच में जुट गई। पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि सहिष्णा की एक मोहल्ले में एक वृद्ध व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टि में मामला हत्या का लग रहा है, जाँच की जा रही। वृद्ध का पैतृक घर मझियाओ थाना क्षेत्र में है, वह यहाँ 2 तल्ला घर बनाकर अकेले रहता था। जब इनको वहाँ के रेंटर के द्वारा इनको सूचना दिया गया कि आपके बाबा का जो है आज दरवाज़ा वगैरह नहीं खुल रहा है, कोई दूध देने वाला आया था, तब पता चला वो लोग को, तो जब दरवाज़ा खोल करके देखा गया तो इनका गर्दन कटा हुआ है, हाथ कटा हुआ है, तब इनको फिर इन्फॉर्म हुआ तो ये लोग वहाँ से आए, तब ये लोग जा करके सदर अस्पताल गढ़वा में लाए। बोकारो में गोमिया थाना क्षेत्र के हसारी पटुआ बस्ती में ससुराल आए शख्स ने छत से छलांग लगा दी, जिसमें वह घायल हो गए। घायल को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। युवक ब्योम केश की शादी बीते 9 मई को हसारी पटुआ बस्ती की रहने वाली रिया से हुई थी। उसने जमशेदपुर में जमीन लेकर घर बनाया है, वहीं रहता था। पत्नी रिया ने बताया कि शादी के बाद जब वह ससुराल गई तो पता चला कि पति HIV पॉजिटिव है। उसके बाद घर में आकर इसकी सूचना माता पिता को दी। ब्योम केश सोमवार को ससुराल आया था, अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन पत्नी ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसने छत से छलांग लगा दी। छत से कूदने के बाद युवक लहूलुहान हो गया। आनंद फानन में आसपास के लोग और परिजनों ने स्वांग स्थित माँ शारदे सेवा सदन अस्पताल में उसे भर्ती कराया। अस्पताल के चिकित्सक ने युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए रांची रेफर कर दिया। वहाँ का एक हजारी निवासी सतेंद्र प्रसाद हमको मोबाइल में फोन किए कि ऐसा सा घटना है कि फिर यहाँ का दामाद जो छत से कूद गया, तब हम यहाँ हॉस्पिटल आए तो यहाँ से पता किए तो वो अपना ससुराल आज ही सुबह आया और ऐसा घटना घटा। देवघर के वार्ड नंबर 8 के चंदाजोरी में स्वच्छता अभियान की एक नई पहल शुरू कर दी गई, जिसमें महिलाओं पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। DC मंजुनाथ भंजत्री ने नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 8 और 14 में विशेष स्वच्छता अभियान का आयोजन कर उसे मॉडल वार्ड बनाने की दिशा में कार्य किया। महोदय का शुरू से ही रहा है कि महिला स्वावलंबन बनाने का, और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि सारी जिम्मेदारी महिला पे होती है और बहुत आगे बढ़ के वो काम भी करते हैं, इसको अंजाम भी देते हैं। जिस कारण अभी जो मुख्यमंत्री की तरफ से प्रोग्राम चल रही है कि एक ग्रीन झारखंड बनाने की दिशा में झारखंड काफ़ी और देवघर का नाम काफ़ी आ रहा है और उम्मीद की जा रही है कि चूँकि बाबा बैद्यनाथ धाम एक टूरिस्ट नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है, यहाँ पे जितना से जितना ज़्यादा हो सकता है एक ग्रीन देवघर के रूप में इनको प्रसिद्ध करने के लिए उसमें हमारे उपायुक्त वर्तमान में जो हमारे उपायुक्त महोदय हैं इनका बहुत सराहनीय कदम रहा। ऐसे में कहा गया है कि क्यों नहीं हम शुरुआत जो है। गोड्डा को रेलवे ने 4 लोकल ट्रेनों की सौगात दी है। भागलपुर गोड्डा, हंसिया गोड्डा, दुमका गोड्डा DMU चलेंगी और दुमका पोड़ैयाहाट पैसेंजर को दुमका गोड्डा पैसेंजर बनाया गया है। बता दें कि गोड्डा में रेलवे स्टेशन बनने के बाद से अब तक सिर्फ एक ही रेल हमसफर एक्सप्रेस दी गई थी।
पाकुड़ में हिरणपुर थाना क्षेत्र के हथकाठी में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस झड़प में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 15 लोगों पर लोहे के रॉड और पत्थर से हमला किया, जिसमें 4 लोग जख्मी हो गए। जानकारी के मुताबिक घायलों में 2 लोगों के सिर में चोट लगी है, इसमें 2 लोगों को सिर पर गंभीर चोट आई है। मामले पर घायल लोगों ने हिरणपुर पुलिस को नयन मंडल सहित 8 लोगों के विरुद्ध लिखित आवेदन दिया। पुलिस ने हमला करने वाले लोगों में एक को हिरासत में लिया है और अन्य की तलाश जारी है।